फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अभी ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं अभी बाहर जा रही थी। मेरे घर के पीछे ना नीम के पत्ते तोड़ने जा रही थी। मुझसे ना किसी ने मांगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं जा रही हूँ तोड़ के और फिर रख दूँगी, जब वो आएंगे फिर मैं दे दूँगी। यहाँ पर ना मैं तैयार हुई थी क्योंकि नहा धो के फ्रेश होकर, और मुझे अभी सारा काम भी करना था और अयांश को भी मैंने नहला धुला कर रेडी कर दी थी। और आदित्य है ना बाहर आंगन में नहा रहा है, वहाँ का जो नल लगा हुआ है ना वहाँ पे नहा रहा था, गेट बंद करके और खोल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर देखिए अभी मैं आई हूँ और गर्मी का दिन है ना, तो ऐसे ही मौसम है, बहुत तेज़ धूप होती है। हमारे तो इतनी तेज़ धूप हुई है अभी, तो सभी जगह धूप बहुत तेज़ ही हो रही है। जानते फ्रेंड्स, ये ना नीचे नीचे है, ऊपर पेड़ में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए ना मुझे लग ही बनाना पड़ेगा। तो नीचे नीचे जितना है उतना मैं तोड़ लेती हूँ, बहुत फ्रेश पत्ते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना नीम के पत्ते में क्यों तोड़ रही वो अभी आप सब सोचोगे, क्योंकि नीम के पत्ते जो ये महीना होता है ना चैत का महीना, तो ये इस महीने में नीम के पत्तों को ना खाना चाहिए, बहुत ये हेल्दी होता है। और खाने का मतलब है कि नीम तो बहुत तीता लगता है खाने में, तो ये कैसे कोई खाएगा इतना कड़वा चीज़। तो ये ना बनाने का इसका भी एक टेक्निक होता है, इसके पत्तों को सुखाया जाता है धूप में और इसका चूर्ण बनाया जाता है, और इसको बॉयल आलू करके और फिर खाया जाता है। बहुत लोग ना मतलब इसको मैश के खाया जाता है। कभी बनेगा तो मैं दिखाऊंगी। गांव में तो ये बहुत अभी हर घर में बनता ही बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे तोड़ दिए, वो भी नीचे नीचे इतने सारे मिल गए। और देखिए ये पूरा जो पेड़ है ना, ये नीम का ही पेड़ है। और उधर वाला भी देखिए फ्रेंड्स, वो वाला भी नीम का ही पेड़ है। वो कितना ऊंचा ऊंचा है, तो फिर अभी मेरा नीचे ही निकल गया। उस साइड भी है, लेकिन उस साइड उधर ना बहुत, उधर ना नीम के पत्ते ज़्यादा है, नीचे नीचे ही है, लेकिन उधर ना थोड़ा सा झाड़ झूड़ ज़्यादा है। तो झूठ में मतलब कि उसमें जैसे कि कुछ बहुत बड़े वाले जो गिरगिट होते हैं ना, ये लंबे पूंछ वाले, वो हो सकते हैं, या फिर सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से मैं उधर नहीं गई, इधर तो रास्ता बना हुआ है तो वहीं से मैंने तोड़ लिया। और पूरा अच्छा है, फ्रेश पत्ते पूरे ताजे ग्रीन ग्रीन। देखिए अभी पतझड़ का मौसम होता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद जो पत्ते आते हैं ना वो वाले। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना अयांश गुस्से में था, तो जब भी ये गुस्से में रहता है ना तो ये ऐसे ही करता है, ये कैसे कलाबाजी कर रहा था, इतना दीवार गंदा किया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं बना रही थी दोपहर का खाना, और आज मैं दोपहर का खाना कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुकर के बारे में आप पूछ रहे थे ना, ये पीजन ब्रांड का है और बहुत सस्ते में ये मुझे मिला था, 1000 या 1100-1200 तक का ही था। और इसके ना प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, और ये मैंने ना अमेजोन से लिया था खुद के पैसों से, मुझे अच्छा लगा था। अभी ये 1-1.5 साल हो गया है, जब मैं पुराने घर पे थी उससे मतलब बहुत पहले मैंने लिया है, 1-1.5 साल हो गया, और मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। 5 लीटर का ये प्रेशर कुकर है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, तो ये जो मैं दिखाई ना, ये कटोरी मैंने ना सूजी को फूलने के लिए रखा हुआ था, और आटा मैंने लिया है और आलू लिया है, ये तीनों को मिक्स करके फिर इसका मैं इसको अच्छे से गूंथ लूँगी, और मैं मसाला पूड़ी बनाने जा रही हूँ। सूजी मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सॉफ्ट बनता है। और आलू पूड़ी में बनाने जा रही हूँ, और इसमें मसाला डाल के। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है, नमक डाल दिया है, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने 1/2 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर भी दिया है। और यहाँ पर देखिए, धनिया के हरे पत्ते मेरे पास अभी नहीं थे था, तो मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। और उसके बाद देखिए, इसको अच्छे से मैं आटा को लगा के और कुछ देर के लिए छोड़ दी थी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया हाथों में, और उसके बाद इसको थोड़े से जैसे हम लोग पूरी बनाते हैं ना, उससे हल्का सा बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिया है। और अब मैं इसको बेल लूँगी। इसमें आलू भी है, सूजी भी है, और आटा भी है, गेहूँ का आटा। और
इसे मैंने मसाले ऐड किए, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और हमेशा मैं चावल ही बनाती हूँ ना, तो आप सबके कमेंट आते हैं कि क्या ही बच्चे कैसे आपके खा लेते हैं करेले की भुजिया। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, करेले की भुजिया मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते इसीलिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी उस दिन, वो लोग करेले नहीं खाते, उनको कड़वा लगता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना पूड़ियों को तल रही हूँ, ये थोड़े ना मोटे ही बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ अभी मैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये छोटा सा कोहड़ा है, ये ग्रीन वाला कोहड़ा जो होता है छोटा साइज का, वो वाला था, बहुत बड़ा नहीं था और बहुत ये छोटा सा था, तो बहुत जल्दी ये पक जाएगा। और इसके जो छिलके हैं ना वो सॉफ्ट थे, ग्रीन कलर के थे, तो मैंने इसके छिलके छीले नहीं, क्योंकि छिलके के साथ भी ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन मिर्च और सरसों से तड़का लगा लिया है, उसके बाद ये कोहड़ा मैं डाल दूँगी कटिंग करके, और चना डाल दूँगी। चना मैंने बहुत कम ही डाला है सब्जी के अकॉर्डिंग, और जितना मेरा कोहड़ा था उतना। और ये जो आलू मैंने बॉईल कर किया था ना, तो आधा मैंने तो पूड़ियों में डाल दिया है और आधा मैं इस सब्जी में डाल दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैम ना सब्जी को भूनी, मतलब भून ही रही थी ना, तब तक ये कोहड़ा ना आधा पक गया। और पकने के बाद बहुत अच्छा सा सेंट आ रहा था, बहुत स्वादिष्ट ये लग रहा था। फर्स्ट टाइम ही मैं ये कोहड़ा का सब्जी बना रही हूँ इस सीज़न में, और मुझे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ये सब्जी भूनते भूनते ही पक गया। इसको मैं ढक के नहीं पकाऊंगी, इसको ऐसे ही ढक दूंगी प्लेट से, प्रेशर कुकर में सीटी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये हलवा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आसी ना आज स्कूल नहीं गई थी, आज सिर्फ आदित्य स्कूल गया था। आसी को ना इनके आदित्य के पापा गए थे डॉक्टर के पास दिखवाने के लिए। बहुत दिनों से ना आसी का, 1-1.5 साल से ना उसके दोनों गालों पे ना वाइट वाइट दाग के धब्बे जैसे हो जाते हैं। ये ना अक्सर इसको ज़्यादा होते हैं विंटर में, और गर्मियों में ठीक हो जाता है। और जो भी इसको देखता है ना तो कुछ बोलता है, ये लगाओ वो लगाओ। मैंने सब कुछ लगा के देख लिया, ठीक तो होता है, कंट्रोल होता है, पर अंदर से ठीक नहीं होता है। और सबने बोला, बहुत राय दी, पर ये ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं मलहम लगाती थी वो वाला ही से बस ठीक होता था, लेकिन जब तक हम लोग मलहम लगाते थे तब तक ठीक रहता था, जैसे ही मलहम लगाना बंद किए फिर से वो दाग धब्बा हो जाता था। तो फाइनली हमने दिखवाया, और बहुत सारा खाने की, लगाने की, साबुन, फेस वॉश सब मतलब दिया गया है इसको, आसी को। और अब मैं देखती हूँ कि मतलब ठीक होगा कि नहीं, भगवान करे ठीक हो जाए, क्योंकि ना गालों पर वाइट वाइट दिखता है तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए। और ये देखिए, मेरे पता नहीं, मेरा आज से नहीं, सालों से ये आदत है कि मेरे घर में हर दूसरे दिन में ना दूध बॉयल होकर गिरता ही गिरता है। मैं सामने भी अगर खड़ी रहती हूँ ना, तो पता नहीं दूध जब मतलब कि उबल के गिरने वाला का टाइम रहता है ना, तभी मैं निकलती हूँ, या फिर कुछ ध्यान अगर मैं नीचे कुछ बैठ के काम कर रही हूँ तो वो गिर ही जाता है। तो ये मेरा देखिए कितना, किचन का ये जो चूल्हा है ना, ये जो स्टील है वो कितना गंदा हो जाता है, अक्सर गंदा हो ही जाता है 1-2 दिन में ही। और मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, वैसे तो गीले कपड़े से मैं पोंछती हूँ तो साफ़ हो जाता है, लेकिन आज मुझे अच्छे से इसको क्लीन करना है। और ये वाला जो मेरा गैस स्टोव है ना, ये स्टोव में ये जो स्टील का है, बर्नर के आसपास जो स्टील का है गोल सा, ये निकलता नहीं है, ये यहीं पर फिक्स है। और जो हमारा पहले वाला था गैस, स्टील का गैस स्टोव था, तो वो ना निकल जाता था, उसके पार्ट्स निकल जाता था, तो बहुत अच्छा रहता था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए, क्योंकि वो मैं निकाल के और जब मैं बर्तन वॉश करती थी तो उसको भी धो दिया करती थी और फिर लगा दिया करती थी। पर ये फिक्स है तो इसको मुझे बहुत सावधानी से धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा पानी से धोना नहीं है इसलिए, क्योंकि इसके नीचे वायर है और इसमें वो जलता है ना अपने आप, आग छिड़कता है, तो मुझे लाइटर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे वायर में अगर पानी वगैरह ज़्यादा चल जाएगा तो कहीं मेरा गैस स्टोव भी ख़राब ना हो जाए, तो बहुत सावधानी से इसको मैं धोना मुझे धोना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं धोती हूँ और मेरा अब आदत हो गया है। पहले शुरू शुरू थोड़ा दिक्कत हुआ तो मुझे लगा कि अरे मेरा तो स्टील वाला ही गैस स्टोव
ठीक था इससे अच्छा, पर नहीं ये भी अच्छा है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, अब इसकी आदत हो गई है तो। और देखिए मैं इसको पहले इस तरह से पानी से धो लेती हूँ हाथ से, और अभी मैं उठा के देख रही थी कहीं नीचे पानी तो नहीं गया। उसके बाद मैं फिर गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। बर्नर को भी मैं वॉश करती हूँ कभी कभी, पर आज नहीं की हूँ मैं। कभी कभी मैं करती हूँ बर्नर को बाहर निकाल के, अगर इसके छेद में अगर दूध वगैरह बॉयल हो गया है तो बंद हो जाते हैं ना कभी कभी, तो वो साफ़ करना पड़ता है। और जितना हम लोग साफ़ रखेंगे उतना ही हमें फिर कुकिंग करने में मन लगेगा, अच्छा लगेगा। गंदा रहता है ना गैस स्टोव, तो बिल्कुल भी खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। तो वैसे तो ये दो टाइम तो मेरा गैस स्टोव साफ़ होता ही है, लेकिन जो अंदर से जो एकदम मैल सी जो जम जाती है ना, वो मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह से साफ़ करती हूँ। तो देखिए कुछ कुछ यहाँ पे अटका हुआ था, तो मैंने पतली सी जो नोक रहती है ना चाकू की, उससे भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब साफ़ कर रही हूँ तो फिर थोड़े बहुत भी गंदा क्यों रहे, ऐसा मन करता है ना, तो इसीलिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस स्टोव भी साफ़ कर लिया है, और फिर यहाँ पर देखिए खाना बनाते बनाते थोड़ा बहुत तेल या फिर मसाले के छींटे ना आसपास पड़ ही जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो टाइल्स वगैरह को भी गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ, और ज़्यादा दाग जमने नहीं देती हूँ, वरना फिर मुझे ही दिक्कत होगी, फिर ना मुझे ही सर्फ साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। इसीलिए हर दूसरे दिन या फिर साफ़ हमें कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा मैल इसमें जमे ना। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा गैस चूल्हा कितना अच्छा लग रहा है साफ़ करने के बाद, पूरा चमक रहा है। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।